पागल गंदी जगहों में भटकने लगा, कुछ भी खाने लगा, कहीं भी सो जाना, कहीं भी बैठ जाना, फटे हाल रहना, नंगा घूमना, कपड़ा खोल के नंगे घूमने लगा। घर वाले घबरा गए, बच्चे घबरा गए, जितनी बार उसे पकड़ के लाते, घर में लाते, विश्वनाथ साहब जैसे ही मौका पाता कपड़े खोल के बाहर निकल जाता, नंगे घूमने लगता, गंदी चीज़ें उठाने लगता। अब सब लोग उसे जैसे पहले अस्पताल में भर्ती किए, ओझा गुनी सब कुछ किए, उस ज़माने में हज़ारों लाखों रुपये खर्च हुए, विश्वनाथ साहब में कोई सुधार नहीं आया। उसी गांव में एक पंडित जी थे, उनका नाम था मुसाफिर तिवारी। मैंने कृपालपुर गांव से कुछ दूर पे गांव होता है, अभी भी हाजी वो गांव बिगही, तो वहां एक पंडित जी थे मुसाफिर तिवारी, पूजा पाठ करते थे। छोटा सा झोपड़ी था उनका, एक बेटी थी जो शादी के योग्य हो गई थी, अब धन के अभाव में उसका विवाह भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, बस घर घर जाके पूजा पाठ वगैरह कुछ करते तो थोड़ा मिल जाता उसे, अपना भोजन पानी चल रहा था, अभाव में थे। पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना चल के विश्वनाथ साहू के पास भाग्य आजमाया जाए। गए, बोले ये लड़के, बोले महाराज ठीक कर दीजिए, तो बोले कि पूजा पाठ में कुछ खर्च होगा, मैं खर्च की चिंता मत कीजिए आप कीजिए। तो मुसाफिर तिवारी वादा करके चले आए। दूसरे दिन सुबह सुबह वो जंगल से सोच के बाद लौट रहे थे तो अचानक देखे कि एक लंबा चौड़ा 6 फुट का वर्दीधारी फौजी आदमी खड़ा है, उनकी तरफ देख रहा है। वो भी देखे, फौजी बोला, क्यों पंडित जी कैसे हैं? बोले भाई पहचाने नहीं आपको, पहचान जाएंगे, कल गए थे वो विश्वनाथ साहब के घर आप? हाँ हाँ गए थे। क्या करने गए थे? नहीं उसकी तबीयत खराब है, उसको उसको क्या हुआ, उसको ठीक कर देंगे आप, उसको जो हुआ है ठीक कर देंगे आप? हाँ हाँ हमको पहचानते हैं? नहीं। अरे हम विश्वनाथ पांडे, हम ब्रह्म हैं। वो विश्वनाथवा के चलते हम मर गए, हमारा परिवार खत्म हो गया, हम जिंदा नहीं है, हम ब्रह्म है, हम ही उसको पकड़े हैं। लेकिन सुनिए, आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, एक बात आपको हम बता देते हैं, आपको कमाना है, पैसा कमाना है, बोलिए कितना दिन के लिए उसको छोड़ दें? बोलिए 1 महीना के लिए छोड़ दीजिए, 2 महीना के लिए छोड़ते हैं, 2 महीना, आज से 2 महीना तक विश्वनाथ साहब ठीक हो जाएगा, विश्वनाथ तेली हमेशा के लिए 2 महीना तक एकदम ठीक रहेगा, आप रोज पूजा कराइए, रोज पैसा लीजिए। बोलिए रोज पूजा कराना पड़ेगा, रोज जाइए धूप अगरबत्ती जलाइए और खूब रुपया लीजिए। मुसाफिर तिवारी गए, पूजा पाठ किए, विश्वनाथ साहब ठीक हो गए। बोले बहुत पैसा लगेगा, रोज पूजा करना पड़ेगा, अपना पंडित जी चिंता मत कीजिए। 1 महीना के अंदर मुसाफिर तिवारी काफी पैसा कमाए, ईंटे का घर बना लिए, सब कुछ ठीक हो गया, बेटी की शादी भी तय हो गई, धूमधाम से बेटी की शादी भी हो गई, कुछ जगह जमीन भी खरीद लिए। मुसाफिर तिवारी के दिन पलट गए। दूसरे महीना आते आते मुसाफिर तिवारी काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए थे। 2 महीना बीतने वाला था, अब 1 दिन ही बाकी था। फिर सुबह सुबह जंगल में अचानक विश्वनाथ पांडे मुसाफिर तिवारी के सामने खड़े हो गए। बोले तब पंडित जी हो गया 2 महीना, आज अंतिम दिन है, कल से मत जाइएगा। हाँ 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 हो गया ना सब, घर द्वार बेटी का शादी वादी सब हो गया, देखिए ब्राह्मण हो के वादा निभाए, हम 2 महीना उसको परेशान नहीं किए, अब आप भी अपना वादा निभाइए और उसके पास मत जाइए। मुसाफिर तिवारी बोले हाँ नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन मुसाफिर तिवारी गए नहीं और विश्वनाथ साहब फिर से पागल हो गए। लड़के दौड़े दौड़े पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, हाँ क्या चलिए चलिए, मुसाफिर तिवारी तो सब जानते थे, चलिए बाबूजी फिर से पागल हो गए, फिर से वही हाल हो गया। मुसाफिर तिवारी बोले देखो भाई अब तो ऐसा लगता है, देखो इतना दिन तो मैंने ठीक किया, सब कुछ किया, सब नॉर्मल ही हो गए, मुझे लगता नहीं है कि अब मेरे बस का है ये, एक काम करो आप लोग बंगाल चले जाओ, बंगाल में निमतल्ला घाट में बाबा भूतनाथ का मंदिर है, वहीं इनका कुछ व्यवस्था हो सकता है।
लड़के क्या करे, चुपचाप लौटे विश्वनाथ साहब को लिए और बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए रवाना हुए। इधर फिर से मुसाफिर तिवारी की मुलाकात हुई विश्वनाथ पांडे से। बोले पांडे जी, हमने आपको वादा किया था विश्वनाथ साहब को 2 महीना के लिए छोड़ देंगे, हमने छोड़ दिया। हाँ, आपको ये ज्ञान देने के लिए कौन बोला था कि उसको भूतनाथ प्रेतनाथ के पास बंगाल भेज दो? ये ज्ञान किसने दिया था आपको बोलने के लिए? क्यों भेजे आप? क्रोधित विश्वनाथ पांडे ने मुसाफिर तिवारी को उठाकर पटक दिया और वहीं खून फेंक के वो मर गए।